बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम एवरीवन। तो कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ आप सब अपने अपने घरों में खैरियत से होंगे और आपकी दुआओं से मैं भी ठीक ठाक। आज एक और रेसिपी आप सबके साथ शेयर करूँगी छोले भटूरे की, वो भी अमृतसरी स्टाइल में। और इसमें मैंने एक खास ट्रिक्स बताया है आप सबको कि आप सब भटूरे किस तरह से फूले फूले बना सकते हैं। तो चलिए बनाना स्टार्ट करते हैं। तो यहाँ पे मैंने छोले को 7 से 8 घंटे तक भिगो के रख लिया है। ये अच्छी तरह से मैंने इसको धुल भी लिया है। अब हम एक कपड़ा लेंगे, ये कॉटन का कपड़ा। इसमें हम डालेंगे ये 1 टेबलस्पून ये चाय की पत्ती। इससे जो छोले का कलर है बहुत ही अच्छा आता है। और ये है अजवाइन 1 चुटकी, इससे फ्लेवर अच्छा आएगा। ये है काली इलायची और ये है 2 हरी इलायची और 2 से 3 यहाँ पे लौंग। फिर हम इसमें डालेंगे ये 2 दालचीनी का टुकड़ा और इस पोटली को हम अच्छे से बांध लेते हैं। तो प्रेशर कुकर में यहाँ पे हम पहले छोले डालेंगे। उसके बाद हम डालेंगे ये पोटली और 2 लहसुन की जवे डालेंगे। इससे जो छोले का फ्लेवर है अच्छा आता है। नमक हम इसमें टेस्ट के अकॉर्डिंग डालेंगे, थोड़ा सा पानी और डालेंगे। तो अभी मैंने इसमें बेकिंग सोडा ऐड नहीं किया है, बाद में हम इसमें बेकिंग सोडा ऐड करेंगे। पहले हम इस लीड को इस तरह से लगा के थोड़ी देर इसे बॉईल करेंगे। जैसे ये बॉईल हो जाएगा आप देखेंगे इसके ऊपर ये इतनी सारी गंदगी ऊपर आ चुकी है। तो इसको हम निकाल के फेंक देते हैं। इसके बाद हम इसमें डालेंगे ये बेकिंग सोडा, ये है 1/4 टीस्पून। जैसे ही हमने बेकिंग सोडा डाला इसमें झाग सा बन गया। अब हम इस लीड को लगा के कम से कम 5 से 6 सीटी लेंगे जब तक ये अच्छे से गल नहीं जाता। तो अब हम भटूरे के लिए आटा लगा लेंगे। तो यहाँ पे मैंने ये रवा लिया है। रवा मेरे पास ये मोटा सा था तो मैंने इसको बारीक ग्राइंड कर लिया। अगर आपके पास बारीक वाला हो तो आप ऐसे ही ऐड कर सकते हैं। तो यहाँ पे मैंने कम से कम 150 ग्राम मैंने रवा लिया है और इसको बारीक पीस लिया है। और ये है मैदा। मैदा यहाँ पे मैंने 1/2 kg से थोड़ा सा ज़्यादा लिया है। मैदा को हम सबसे पहले तो छान लेंगे क्योंकि अक्सर इसमें कीड़े होते हैं, लेकिन ये जो मैदा था बिल्कुल अच्छा था। तो आप देख सकते हैं बिल्कुल क्लीन है ये, फिर भी हम इसे तसल्ली के लिए छान लेते हैं। अब हम इसमें डालेंगे ये पिसा हुआ रवा। उसको अच्छे से पहले हम मिक्स करेंगे। और ये है दही। दही खट्टा ही होना चाहिए। तो दही मैंने यहाँ पे 3 से 4 टेबलस्पून ऐड किया है। जितनी खट्टी दही ऐड करेंगे उतना ही भटूरा जो है फुला फुला सा बनता है। और दही के ऊपर ही हम डालेंगे ये बेकिंग पाउडर 1/2 टेबलस्पून और हम इसमें डालेंगे ये बेकिंग सोडा 1/4 टीस्पून। जैसे ही आप इसके ऊपर ये बेकिंग सोडा और बेकिंग पाउडर डालेंगे ये फर्मेंट होना शुरू हो जाता है। इसके बाद हम डालेंगे ये 1 टीस्पून शुगर और 1 टीस्पून नमक। नमक इसमें आप टेस्ट अकॉर्डिंग ऐड कर सकते हैं। तो सबसे पहले हम दही को अच्छे से मिक्स करेंगे। जब भी आप भटूरा बनाएं इसमें रवा ज़रूर से ऐड करें। रवे की वजह से जो भटूरा है वो ऊपर से क्रिस्पी और फुला फुला सा रहता है और अंदर से बिल्कुल सॉफ्ट भी बना रहता है। तो पानी हम थोड़ा थोड़ा करके ही ऐड करेंगे और बिल्कुल एक सॉफ्ट सा डो इसका हम रेडी करेंगे। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं हाथ में ये चिपक रहा है। इस तरह का डो हम रेडी करेंगे। इसके ऊपर हम लगा लेंगे ये ऑयल और इसको अच्छे से सेट होने के लिए कम से कम हम 1 से 2 घंटे के लिए रख देंगे ताकि अच्छे से भीग जाए। तो इसको मैंने ढक दिया है। तो चलिए इसे एक साइड पे रख देते हैं। तो आटा को मैंने रेडी कर लिया है। अब हम छोले के लिए यहाँ पे प्याज को कट करेंगे। तो आप देख सकते हैं मैंने 2 मीडियम साइज़ के और 1 छोटी साइज़ का प्याज लिया है। इसको हम बारीक चॉप कर लेंगे। और छोले भी यहाँ पे अच्छे से गल गए हैं तो ये जो पोटली है इसे हम साइड में रख देते हैं। और आपको चेक करके दिखाती हूँ छोले कितने गले हैं। ये
तो देख सकते हैं अच्छे से गल चुका है ये। अब हम जो इसका पानी है इसको एक बाउल में छान के निकाल लेंगे। पानी को हम फेंकेंगे नहीं, इसको हम छोले में ही यूज़ करेंगे बाद में। ये छोटी छोटी सी जो चीज़ें हैं, ट्रिक्स है, आप सबके साथ मैं शेयर कर रही हूँ। तो वीडियो को स्किप ना करते हुए आप वीडियो को पूरा देखें। ये पानी हम एक साइड पे रख देते हैं। अब हम चूल्हे के ऊपर रखेंगे ये कढ़ाई। ये अच्छे से गर्म हो चुका है, इसके अंदर हम डालेंगे ये 2 बड़े चम्मच ऑयल। जैसे ही ऑयल गर्म हो जाएगा हम इसमें डालेंगे ये 1/2 टीस्पून ये अजवाइन। अजवाइन की खुशबू जो छोले में है बहुत ही अच्छा आता है। और 1/2 टीस्पून ही ज़ीरा भी ऐड करेंगे और 2 तेज़पत्ता को हम तोड़ के ऐड करेंगे। आप चाहे तो इसे छोले को बॉईल करते टाइम भी ऐड कर सकते हैं, लेकिन मैंने ऐड नहीं किया था इसलिए मैंने बाद में ऑयल में ऐड कर दिया है। अब हम ऐड करेंगे ये बारीक कटे हुए प्याज। प्याज को हम अच्छे से ब्राउन करेंगे। तो यहाँ पे ये देख सकते हैं आप, प्याज का कलर हल्का सा चेंज हो गया है। इसे हम थोड़ा ब्राउन और करेंगे। प्याज तो अच्छे से ब्राउन हो गया। अब हम डालेंगे इसमें जिंजर गार्लिक पेस्ट। तो 2 टेबलस्पून मैंने इसमें जिंजर गार्लिक पेस्ट ऐड किया है। अच्छे से हम इसको प्याज के साथ भून लेंगे। प्याज के साथ ये जो जिंजर गार्लिक पेस्ट है अच्छे से भून जाता है और जो फ्लेवर है वो भी अच्छा आता है। और ये है टोमेटो प्यूरी। 3 से 4 टमाटर को मैंने ग्राइंड कर लिया है। टमाटर का कलर ज़रा रेड कलर का नहीं था इसलिए इसका कलर इस तरह से आया है। नमक हम इसमें ग्रेवी के अकॉर्डिंग डालेंगे क्योंकि छोले को बॉईल करते टाइम मैंने नमक ऑलरेडी ऐड कर दिया है। अच्छे से टमाटर पक जाए तब तक हम इसे 2 मिनट के लिए भून लेंगे। जैसे ही 2 मिनट हो जाएगा बाकी के मसाले हम ऐड करेंगे। ये है 1 टीस्पून हल्दी पाउडर और ये है रेड चिली पाउडर 2 टीस्पून और 1 टीस्पून डालेंगे हम ये कश्मीरी रेड चिली पाउडर। धनिया पाउडर हम डालेंगे इसमें 1/2 टेबलस्पून। और ये है छोले मसाले, ये मैंने मार्केट से लाया था। आपके पास जो भी ब्रांड का हो आप यूज़ कर सकते हैं। मसालों को हम कम से कम 5 से 6 मिनट के लिए मीडियम फ्लेम पे भून लेंगे जब तक इसमें ऑयल सेपरेट ना हो जाए। तो आप देख सकते हैं मसाले अच्छे से भुन गए हैं। अब हम इसमें थोड़े से छोले डाल के इस मसाले के अंदर छोले को मैश करेंगे। इससे जो छोले की ग्रेवी है वो गाढ़ी हो जाएगी और इसका जो टेस्ट भी है वो भी अच्छा आएगा। तो अच्छे से हम इसे मैश करेंगे। तो यहाँ पे मैंने मैश कर लिया है। अब हम बाकी के छोले ऐड कर देते हैं। उसके बाद हम ये पानी डाल देंगे जो हमने साइड में रखा था। तो यहाँ पे मुझे जो छोले का ग्रेवी है वो कम लग रहा है तो इसमें पानी थोड़ा सा मैंने और ऐड किया है बाद में। तो पानी ऐड करने के बाद इसमें हम डालेंगे ये कसूरी मेथी। कसूरी मेथी को मैंने रोस्ट करके हाथों से क्रश करके ऐड कर दिया है। अब हम इसमें डालेंगे ये हरी मिर्च इस तरह से और बारीक कटे हुए अदरक भी ऐड कर देंगे हम इसमें। और एक खास ट्रिक आप सबके साथ शेयर करूंगी, जैसे ये अच्छे से बॉईल हो जाएगा हम इसमें डालेंगे ये गर्म किए हुए घी। इससे आपकी जो छोले की खुशबू और जो टेस्ट है बहुत ही अच्छा आता है, तो ज़रूर से ऐड करें। तो यहाँ पे छोले बनके रेडी हो गए। इसके ऊपर हम हरा धनिया से गार्निश करेंगे।
तो आपको मेरी ये छोले की रेसिपी कैसी लगी कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। अच्छे से मिक्स कर लेते हैं, आप देख सकते हैं कितना अच्छा कलर और काफ़ी फ्लेवरफुल दिख रहा है ये। मेरे घर में तो सबको बहुत पसंद आया था। तो यहाँ पे जो भटूरे का जो हमने आटा गूंद के रखा है ये भी अच्छे से सेट हो चुका है। इसको हम 5 से 6 मिनट के लिए और गूंद लेंगे इस तरह से। जितना आप इसे पटकेंगे जो भटूरा है वो बहुत ही अच्छा बनता है, काफ़ी फ्लफी और ऊपर से क्रिस्पी बनेगा ये। तो ये ट्रिक ज़रूर से अपनाएं। तो बिल्कुल सॉफ्ट डो बन के रेडी हो गया है, आप देख सकते हैं। तो चलिए अब हम भटूरे को बेल लेते हैं। तो भटूरे को हम लंबाई बेलेंगे इस तरह से, थोड़ा सा ओवल शेप में, आप चाहे तो गोल भी बना सकते हैं। तो चलिए अब हम करते हैं भटूरे को फ्राई। तो ऑयल को मैंने अच्छे से गर्म कर लिया है और भटूरे को आप कभी भी हाई फ्लेम पे ही इसे फ्राई करें, इससे जल्दी से ही ये फूल भी जाएगा और इसका कलर भी बहुत ही अच्छा आएगा। देख सकते हैं आप कितना अच्छे से ये फूल गया है। और ऐसा नहीं कि ये आप जैसे इसे कढ़ाई से निकालेंगे प्लेट में रखेंगे ये बिल्कुल पिचक जाएगा, ऐसा बिल्कुल भी नहीं होगा। जैसा हमें रेस्टोरेंट में मिलता है ठीक वैसे ही ये फूला फूला सा रहेगा। अब हम दूसरी तरफ से इसको पलट लेंगे। आप इसका कलर देखें कितना अच्छा आया है। तो आपको मेरी ये भटूरे की भी रेसिपी कैसी लगी कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। और पसंद आए तो इसे लाइक एंड शेयर ज़रूर करें अपने फैमिली एंड फ्रेंड्स के साथ। चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को बेल आइकॉन के साथ सब्सक्राइब भी करें। और इसका फीडबैक आप सब मुझे इंस्टाग्राम पे दे सकते हैं। अगर आप सब ने मुझे फेसबुक पे फॉलो नहीं किया है तो आप सब मुझे वहाँ पर भी फॉलो कर सकते हैं। और मुझे दुआओं में याद रखें। अल्लाह हाफिज़।